अल्लाह फरमांदा है असा मौत ते जिंदगी नू तखलीक कीता है। तवज्जो मेरे वाल रखिया जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह फरमा रहा है असा मौत जिंदगी नू तखलीक कीता है, बनाया मौत जिंदगी नू। बाबा जी कुरान पाक की आयत पढ़ के वेखो, अल्लाह ने मौत का जिक्र पहला किया है तो जिंदगी का जिक्र बाद विच कीता है। कारी साहब ये जुमला समझने वाला है कि अल्लाह ने पहला हयात का जिक्र क्यों नहीं किया। अल्लाह जी खालकल मौता वल हयाता, अल्लाह फरमांदा ओ जात जिन्हें मौत और हयात नू बनाया तखलीक कीता। बाबा ओ जात है वे ना जिन्हें मौत नू बनाया ते जिंदगी नू बनाया, ओ जात जेड़ा तेरा भी रब है मेरा भी रब है, ओ जात जेड़ा तेरा भी रब है ते मेरा भी रब है। उन्हें मौत नू पैदा कीता है, जिंदगी नू पैदा कीता है। हाथ बन के अर्ज की नीली छत दे मालका, ये मौत जिंदगी नू बनाने का मकसद की, वजह की? अल्लाह फरमांदा लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह फरमांदा असा चेक करना है तुहाडे विचों शैतान आले केड़े ने रहमान आले केड़े ने। तवज्जो फरमाए जी, बड़ी मेहरबानी। इंतजामिया तशरीफ फरमाए, पूरा पीड़ तशरीफ फरमाए, गल सुनियो जे। ते मेरा दिल अज करदा पिया कि मैं गल मौला अली तो शुरू करूं, एडी मटी सुभान अल्लाह मौला अली दे नाते। हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। तुहाडे पिंड दे नकीब साहब सन कह रहे सन, मैनू नहीं पता भी तुसी इत्थे हो किथे हो, तुसी सुते हो जागदे पे हो, तो उन्हां नूं दसो भी असीं जागने पे। हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। आ मस्जिद बैठे माशाल्लाह बड़ी मुहब्बत नाल, जेड़ा मसीते आ जाए इश्क नाल आ जाए उन्हूं नींद नहीं आउंदी। हाँ बाबा जी, जेड़ा अंदरों आ जाए मालक दे बूहे ते आ जाए, ईमानदारी नाल दसो बीड़ आ लियो। बंदा ऐसा जो कमरे च खलोता हो तो नींद आ जाती है, बोलो। किसी अफसर के सामने खलोता हो तो नींद आ जाती है, तो जेड़ा कायनात दा रब समझदार बंदे बैठे मेरे जुमले समझ आ जाए। अलहम्दुलिल्लाह इस फकीर की आवाज़ पूरी दुनिया भी सुनती, अरब के अंदर यूरोप के अंदर, और लोग कहते हैं कि कारी साहब तुसा मां बाप की शान पढ़ी। अज मेरा मौजू वो नहीं, अज मेरा मौजू फिक्रे आखरत है, तो मैं गल मौला अली तो शुरू करना चाहना कि मौला अली नू मनन वाले तुसी भी हो ते असी भी हाँ, तो जेड़ा अली नू ना मने उहदा गुजारा ही नहीं। रब्बे काबा की कसम है फिक्रे आखरत बयान करनी है, पर जुमले तवज्जो नाल समात फरमाया जे। कायनात आलियो अली ओ हस्ती है, नबी ओ हस्ती है जिदे बारे मेरे नबी ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाजा अली ओ मौला। जी तवज्जो हुण जाके बेज तवज्जो फरमा रहे, फरमाया कायनात आलियो जी मुस्तफा जी आका जी मुस्तफा जी सोने मोहम्मद हुक्म होए, फरमाया कायनात आलियो जिदा मोहम्मद मौला ओदा अली मौला। तवज्जो करिया जे, गल मैं एक करके तो फिक्र आखरत बयान करनी है। मैं चाहना एक माहौल बन जाए, एक जोक बन जाए, फिर मैं गुफ्तगू ना के लैके जावा। जिदा मुस्तफा मौला ओदा इंज नहीं वाज गूंजे, ओदा 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 अली मौला। और मौला अली कौन है? मौला अली कौन है? तवज्जो करिया जे। कारी साहब तशरीफ फरमाने गुलाम अब्बास सुल्तानी साहब, हजरत आयशा सदीका, उम्मुल मोमिनीन, जुमले सुनिया जो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। मोमिना की मां इस हदीस की रावी ने रवायत कर रही ने, कहंदियां ने कि मैं वेखना जदों मेरा बाबा ते मौला अली किसे महफल विच इकट्ठे होंदे सन, जिन्हों समय लगनी गल ओहदे नाल। हाँ जो तवज्जो फरमाया जी इंशाल्लाह, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मलक साउंड सिस्टम के थ्रू, पूरी दुनिया तक जाएगी। जनाबे आयशा फरमांदियां ने कि जो मैं वेखना मेरे बाबा हजरत अबू बकर सदीक और मौला अली कट्ठे एक महफल में जमा होंदे सन, तो कहंदे ने कि मैं अपने बाबा नूं वेखना कि नज़र अबू बकर सदीक दी आउंदी सी, चेहरा मौला अली दा आउंदा सी।
جی جی توجہ فرمائے نظر حضرت ابو بکر صدیق دی ہونی ابو بکر صدیق نے منن والے توجہ فرمایا جے فرمایا چہرہ مولا علی دا ہونا ہندے نے میں ایک دن ہاتھ بن کے عرض کیتی یا بابا اے گل سمجھ وچ نہیں آئی میں تانوں اکثر وینیا کہ جدوں مولا علی محفل وچ موجود ہوندے نے یا بابا ابو بکر صدیق تسی کسے ہور دے چہرے ال جی مہربانی توجہ فرمایا جے کسی ہور دے چہرے ال نہیں ویندے تہاڈی نظر آندی اے چہرہ علی دا ہوندا توجہ توجہ سنیے توجہ نظر تہاڈی آندی اے چہرہ علی دا ہوندا اے وجہ کی اے فرمایا بیٹی تو نہیں سنیا جی بابا کی فرمایا زہرا دے بابے دے لباں وچوں الفاظ نکلے نے فرمایا کائنات علی او اے علی واحد او بندہ اے جی دے چہرے نوں ویکھیے رب دی عبادت ہو جاندی मुस्तफा तो बाद नबी तो बाद कोई बंदा ऐसा लैके आ जिदे चेहरे नूं वेखी ते इबादत हो जाए जी जी बाबा ये जुमले मेरे तुसी सही पिक नहीं कर रहे तवज्जो फरमा मैं गल केड़ी कर रहा हजरत अबू बकर सदीक साढ़े सिर दे ताज ने हजरत उमर साढ़े सिर दे ताज ने असी आले नबी दे भी होबदार हाँ असी असहाबे नबी दे भी होबदार हाँ बाबा मौला अली दा चेहरा वेखिए इबादत आती है चेहरा वेखिए इबादत आती है ते अर्ज की हजूर जिन्हें चेहरा नहीं वेखिया जिन्हें अली वेखिया ही नहीं हजूर ओदा विच की हिस्सा है मेरे नबी ने फरमाया सुनियो ओए बीड़ा लियो मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोगो जिन्हें अली नहीं वेखिया ओ भी मरहूम नहीं रहेगा ओ महफिल विच अली अली कर ले ओ भी इबादत में शामिल हो जाए जी 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 बड़ी मेहरबानी जिन्ना अली नहीं वेखिया ओ अली अली कर लैन की कर लैन की कर लैन अली अली की कर लैन अली अली की कर लैन अली अली कर लैन ओ भी इबादत विच शामिल है अज शबे बरात दी रात है अज पीर दी जामिया मस्जिद है अज खुदा दा जिक्र भी जरूरी है अज मुस्तफा दा जिक्र भी जरूरी है ते अली दा जिक्र भी जरूरी है तवज्जो जी हुण तुहाडी तवज्जो हो गई हुण मैं मौला अली दी शान दे विच एक गल करनी है इजाजत है तवज्जो जाके बयार गल तुसी पहली बारी सुनोगे मिंबर ते बैठा मस्जिद च बैठा अक्सर बंदे पहली बारी सुनेंगे पर बाबा जी जे गल लुत्फ ना दवे तो मैं जुर्माना देने नूं तैयार हां पर तवज्जो तुसा करनी है अगर तुसा तवज्जो ना कीती तो फिर वो लुत्फ नहीं आना कन भी मेरी तरफ नजरां भी मेरी तरफ दिल ते रूह भी मेरी तरफ गल सुनिया जे बाबा फिर पता लगे कि अली कौन है मौला अली कौन है शेर खुदा कौन है हैदर करार कौन है तवज्जो जी गल सुनने वाली हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन इत्थे भी बोलो सुभानअल्लाह किवला अमीरुल मोमिना दे अमीर कचहरी लगी है हजरत उमर दी किदी कचहरी भीड़ आले बोलियो जाके हजरत उमर दी कचहरी लगी है हुण तकरीर ते जुमले तवज्जो ना सुनया जे हजरत उमर मिंबर ते जलवा फरमान फैसला आ गया हजरत उमर दी कचहरी विच आ फैसला सुनियो ते बाबा जी तुसी उठ के नारे ना लाए सुल्तानी जुर्मदार है गल तवज्जो ना सुनिया जे वड्डे हो ते भावें छोटे ते बुजुर्ग ते भावें बच्चा है गल तवज्जो ना सुननी है मेरी शर्त है बाबा कचहरी लगी हजरत उमर दी उमर इबने खिताब दी कचहरी विच फैसला आ गया फैसला की आया एक मुंडा नाल एक बुढ़ी है नाल ओदे भरा ने नाल ओदे रिश्तेदार ने हजरत उमर मिंबर ते जलवा फरमान ने फैसला आया सुनियो जी हजरत उमर फरमान लगे सुनाओ जी मुकदमा शुरू करो पहला बच्चा बोलिया सुल्तानी साहब गल सुनने वाली बच्चा उठिया आखन लगा जी उमर पाक गल ले वे ए मेरी माँ है ऐ मेरे मामे ने ते मानदे नहीं तवज्जो है तुहाडी जे तुहाडी तवज्जो होई तो फिर ही लुत्फ होनी गल तवज्जो नूं सुनिया ए मेरी माँ है
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਪੜ ਲਗਾ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾ ਮਛਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋ ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਮਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਬਲਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਸੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੱਚਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਣ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖਿਆ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਤੁਮਤ ਲਾਈ ਉਸ ਬੀਬੀ 'ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਹਣਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੋਮਤ ਪਿਆ ਲਾਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਨੇਵਾ ਲੱਗਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਆਇਆ ਫਿਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਲੀ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਲੀ ਆਏ ਅਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੋਣਾ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸੱਚਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਮੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣੇਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਹੇ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਭੀੜ ਵਾਲਿਆ ਹੇ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨੰਦਰ ਬਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਮੌਲਾ ਉਮਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
फिर लेके आए हो जलाल विच आ गए गुस्से विच आ गए आखन लगे वापस क्यों लेके आए उन्हें आखिया आप ही नहीं आए अली भेज आए जी 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 आप ही नहीं आए अली भेज आए अली भेज आए मौला अली ने भेज आए हजरत उमर मिंबर दे बैठ फरमाया जी अली भेज आए फिर वापस आने से जे अली भेज आए फिर फैसले पे नजर सानी आएगी फिर फैसला किया जाएगा हकीर के मुंडा आए पीछे पीछे माए नाल दे गवान मौला अली सामने खड़े आए आखन लगे उमर जी ये फैसला तुसा किया है हाँ अली मैं किया है मैं गवाइया दे रद विच किया है ये गवाइया इस बीवी दे नाल है फरमाया तुसा भी ठीक किया हुण फैसला नबी दा वीर करेगा जी जी बड़ी मेहरबानी जुमले सुने जिदे दिल विच अली वसदा है जिदी साह विच अली वसदा है हुण फैसला अली करेगा हे वीर अलियो मौला अली खड़े होए फरमान लगे तू की आनी आखन लगी अली मेरा पुत्र ही कोई नहीं मामिया नु पुछिया दा साडे बने में कोई नहीं फरमाया घबराओ इथे मिंट लगना है फैसला हो जाना है जी 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 इथे मिंट लगना है फैसला हो जाना है पानी दा पानी दुध दा दुध हर हर पासे अज फैसला आना है भीड़ लियो मौला अली जलाल विच आए आखन लगे माई हे तेरा पुत्र नहीं हंदी ए कोई नहीं हे मेरा पुत्र नहीं हुण वीर आलिया जुमला सुनियो अठ साल तू लै गए साठ साल तक ये जुमला जाया ना करिया रे अली उठ के खड़े रे कारी साहब मौला अली ने जेब विच हाथ पाया है ऐ जुमला सुनियो मौला अली ने जेब विच हाथ पाया है दिरम कढ़ के आखन लगे माई अकलार जी अली हुक्म आए फरमाया उमर जी हे वीर दिरम हक मैर हे दा निकाह इहदे नाल करा दियो बाबा जी माई दे जिस्म ते कप कप तारी आ गई आखन लगी अली हे किंज दे फैसले करना है कदी मावां दे वी निकाह पुत्रां नाल होवे कदी मावां दे वी निकाह पुत्रां नाल होवे फरमाया पता ते अली नूं वी है होंदे कोई नहीं तू मनदी नहीं असां दसिया अली कौन है तवज्जो है जी तो उजी बोलो कारी साहब फैसला सुन फरमाया हक मेहर मैं देना ऐदा निकाह इहदे नाल करा छड पता लगे अली कौन जुमले तवज्जो नाल सुनियो भीड़ आलियो जे लुतफ ना आवे तो सुल्तानी तो होण दा फायदा ही कोई नहीं तवज्जो आखन लगे अली जी कदी पुत्रां दा भी निकाह मावां नाल होए ने ते फरमाया मनदी जी नहीं सैं ते मनाना ते ऐसे ऐ मेरे वल तकियो अहले सुन्नत उलमा दी किताब अंदर लिखी है कि मौला अली कौन ने हजरत उमर दे जुमले ने फरमाया अली जे तू ना ना हुंदा उमर हलाक हो जांदा ते मौला उमर दी शान तवज्जो फरमाया हुण जुमले सुनन वाले जिदो ये गल कीती कसम खुदा दी जुमले बड़े वड्डे ने बाबा जी हजरत उमर आखन लगे अली जी ये किवें तुसां मना लिया ये ते मनदे ही नहीं सन ये ते गवाह भी कोल बिठाई बैठी सी बाबा जुमले सुनिया जे जदों ये गल कीती ना ये मनदी नहीं सी गवाह भी कोल बिठाई बैठी सी आ गल सुनिया मौला अली ने फरमाया उमर जी ये मामला पता की सी जी अली की सी फरमाया ए जिहड़ा मुंडा है ना इहदा प्यो हो गया फौत उहदी जमीन बड़ी सी हुण केड़ा अली दे नां ते बोले तवज्जो फर मैं खेड़ा करना पे फैसले जदों निकाह दी गल आई तो कंबल लग गई आंदी मेरा ही पुत्र फिर मैं बड़ी जल्दी मन गई आए हाय उमर जी इहदा प्यो सी मालदार जमींदार उहदी जमीन बड़ी सी जायदाद बड़ी सी
इहदे भरावां ने इहनूं मजबूर कीता वी उहदा इक ही पुत्तर है ते जायदाद लभणी है सारी उहनूं, ते तूं इनकार कर उत्थे जाके कह साडा मेरा पुत्तर ही कोई नहीं, ते असीं तेरे गवाह बन के जाने हां, तूं साडी भैण है, असां गवाही देनी है, फैसला साडे हक विच हो जाणा, जमीन भी साडी ते भैण भी साडी, इह यतीम धक्के पिया खाएगा। फरमाया मैं लोगों ने दसिया, मैं लोगों ने दसिया, मैं लोगों ने दसिया। बाबा जी फिर बाबा जी दा नौजवान दे हक विच फैसला होया, मदीने दियां गलियां विच दौड़दा है, नारे नारे लांदा है, नाले कहंदा है मैं मुरीद हां अली दा, मेरा पे सिवा अली नारे ला लाया, मैं मुरीद हां अली दा, मेरा पेशवा अली अली अला बोले, मैं मुरीद हां अली दा, मेरा पेशवा अली मुरीद हां आसानी करके फिर सारे मिलके नाल कह लो, फिर असी इंजी कह लेने गवाह मदीने की है गली है, जी जी भीड़ा लो बड़ी मेहरबानी, गवाह मदीने की हर गली है, जी बल भी देखो अली अली है, जिनों अली बना चंगा नहीं लगता वो महफल विच आ ही नहीं सकता, असी अली अले बैठे हाँ, असी कलिया विच भी आखांगे, असी दरबारा विच भी आखांगे, असी बाजारा विच भी आखांगे, गवाह मदीने की है गली है, जी बल भी देखो अली अली बना दे हाथ बुलंद करके, जी बल भी देखो अली अली है, जी बल भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जी बल भी देखो अली अली। फिर बाबा जी अल्लाह का कुरान, अल्लाह कुरान अंदर ईलान फरमांदा है, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, बाबा जी मारी चौधरी ने भी जाना है, हे मारी अमीर ने भी जाना है, हे मारी गरीब ने भी जाना है, हे हर बंदे ने मर जाना है, बाबा जी जिंदगी मुक जानी है, एक वेला आना है, किसे गली विच मर जाना है, किसे दुकान ते मर जाना है, किसे बाजार च मर जाना है, पर भीड़ लिया इंज दी जिंदगी गुजार के जाना है, तेरी जिंदगी विच अथरुआ दे दरिया आण, है तेरी जिंदगी विच अल्लाह कोलो माफी आए, तू उठे ते रब रब करदा उठे, तू सौवे ते रब रब करदा सौवे, हे असी गुनाहगारा सियाकारा खताकारा परयानी अनीली छत दे मालिका, होए बंदा बड़ा भी गुनाहगार होवे, होए बंदा बड़ा भी सियाकार होए, होए बंदा बड़ा भी खताकार होए, बाबा जी एक बारी हाथ बन के आखे रब्बा माफी दे दे, रब्बा माफी दे दे, नीली छत दिया मालिका ओए मेरे तू वड़ा गुनाहगार कोई नहीं, रब्बा मेरे तू वड़ा सियाकार कोई नहीं, रब्बा तेरी रहमत बड़ी वसीया या अल्लाह माफी दे दे, हे भीड़ा लियो बंदा एक बारी रोवे हाथ जोड़े, मेरा नबी फरमांदा है हे दुनिया आलियो जेड़ा एक बारी कहंदा रब्बा माफी दे दे, हे भावे नमाजी होवे भावे गैर नमाजी होवे, भावे हाजी होवे भावे गैर हाजी होवे, भावे रोजादार होवे भावे बगैर रोजादार होवे, एक बारी आखे रब्बा माफी दे दे, हे अल्लाह फरमांदा जा तेरे गुनाह माफ कीते नी, मैं कह या अल्लाह मामला समझ विच नहीं आया, अल्लाह फरमांदा तेनू पता नहीं जदों मैं आदम नू बनाया है, आदम भी
बाबा जी भीड़ आले जुमले सुने आ रहे शैतान रब दे सामने खड़ा हो आखन लगा मीनू तेरी इज्जत की कसम रब्बा मैं तेरे बंदिया नू बुरे पासे लेके जावांगा या अल्लाह तेरे बंदिया नू गुमराह करांगा इन्हां नू नमाज की तरफ नहीं जान दियांगा रोजा रखन नहीं दियांगा हे भीड़ आलियो जदू शैतान ने अल्लाह की कसम खादी है फिर मेरा रब भी जलाल विच आया है अल्लाह फरमांदा शैताना ओए मैनू भी अपनी जात की कसम है जेड़ा साडा होएगा होने तेरे आखे रुकना नहीं होने अदी रात नू भी मुसल्ला पा लेना जी 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 कसम खुदा दी जेड़ा रब दा होवे उधर नहीं जांदा अज आकड़ के नहीं बहना जी मैं भी थोड़े नाल अज असा इंज करना अल्लाह दा सामने बाबा जी भीड़ आलो ईमानदारी ना दसो किसी दे घर भरिया टुर जाए ना ते भरिया दा पंचायत दा वड्डा आंदा वे हुण गल ना करी तेरे वेड़े मैं बंदे लैके आ गया बाबा जी जुमले सुनने वाले जी शिमला तेरे वेड़े मैं बंदे लैके आ गया हुण ना गल करी जिन्हें गल सुननी है लुतो भी उन्होंने आना है जरा अंदरू बैठे ए दिल में दिल दरिया समंदर डूंगे ते कौन दिलां दियां जाने कुछ इत्थों होंदे ने कुछ इत्थों होंदे ने जेड़े इत्थों होंदे ने नंबर लै जांदे ने ऐ रब दी रहमत भी वेंदी ऐ वेख अद्धी रात गुजर गई जी अद्धी रात दा वेला पिछे मेरे नबी ने फरमाया जदों अद्धी रात आउंदी अल्लाह दी रहमत पहले आसमान ते आ जांदी बीड़ा लिया वह जिन्हें भी गुनाहगार आ अज वेख माफी रब किवें देंदा है तेरी अख का एक अथरू भी डिग पिया समझ तेरी पिछली जिंदगी दे गुनाहों ते अल्लाह ने पानी बेर छड़िया जा तेरे गुनाह माफ कर छड़े ने अद्धी रात का वेला ही अद्धी रात गुजर गई है अद्धी रात पिछे वे अज इंज माफी मंगी है ते माफी मंग के आखिए मालका साढ़े तो वड्डा गुनाहगार कोई नहीं तेरे तो वड्डा बख्शनहार कोई नहीं माशाल्लाह तवज्जो फरमाया जी इंज माफी परे आ टुर जाए किसी के घर ते लोग आंदे ने चलो माफ कर बाबा जी लोग आंदे ने माफ कर वो आंदा मैं तो माफ नहीं सी करना चाचा तू बंदे लैंदे ने मेरी बैठक च बाबा मेरे को मसाला ने सीधियां मैं बुजुर्गों ने भी तकरीर समझ में आ जाए मैं नहीं सी माफी देनी बंदे तू लैंदे ने मेरे घर ते जदू घर बंदे बह जाने तो उठाने औखे हो जाते हैं तवज्जो फरमाया जी भीड़ आलो रब्बे काबा की कसम जुमले तरपा देंदे ने जदू किसी दुनियादार दे घर दस बंदे तुर जाने सुल्तानी साहब वो बंदा माफी तो बगैर उठन नहीं देंदा चाह भी पियांदा पानी भी पियांदा वो गैरतमंद बंदा चौधरी उन्हें पता भी बंदे घर आ जाण इंज नहीं बिठाई दे भीड़ आलिया ईमानदारी नाल दसी दस बंदे किसे दुनियादार दे घर तुर जाण बगैर माफी तो नहीं उठन देंदा ते जे इन्ने बंदे रब दे वेड़े आ जाण ते मेरी तकरीर हर बंदे वास्ते नहीं मैं बड़ा वड्डा नुकता पढ़िया जी दस बंदे किसी के बूहे से टुर जाते वह नहीं उठन देता वह भीड़ आलो तुम तो इन्ने बैठे हो अज रब आखेगा भी मैं नहीं बख्शना जाओ उठ जाओ नहीं आखेगा नहीं आखेगा वह भी पिया वेंदा है जबरील आंदा होगा जबरील वेख ए केड़े नहीं सिर्फ भीड़ आले ने जबरील आखेगा नहीं रब्बा ये दूसरे पिंडू भी आए नहीं ये मौलवी केड़ा ही गुनाहगार जड़ा पे बोलता है या अल्लाह तेरा बंदा है अल्लाह फरमांदा मौलवी दे ते नहीं मन्नी ये जड़ा इन्हां विच बैठा ही ने चिटी दाड़ी आला ओदे सजदे मैं पूरी महफिल नूं माफ कर छड़िया है ते बाबा जी ये तर्जमा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह खड़ी दा ताजदार कर गया मियां साहब फरमांदे ने रात पवे ते नींद प्यारी
दर्द मंदान याद सजन जी ते सुतियां आन सुतियां आन सुतियां आन बोलो सुतियां आज रब की रहमत ने सानू जगाया किने जगाया बोलो की रहमत ने उची बाबा बंदे सुते भी जगा बंदे दुकाना ते भी मैं बैठे बैठे बंदे सड़क ते चहल कदमी करते भी बैठे बंदे मसीह के बूहे अगे भी मैं वेखे ने पर अंदर वो ही आया जिन्होंने बुला लिया तो मैं कोई खतीब मौलवी नहीं मेरे तो बाद अजय अच्छा खतीब सुनना है तो मैं एक निकम्मा जहा खतीब हाँ माड़ा जहा छोटा जहा तल बिलम हाँ पर गल मैं इंशाला पक्या करा जुमले तवज्जो ने समाप्त कर अच्छा जी ये जुमला केड़ा वड्डा आंदा होवे जिन्हों बुलांदा आंदा होवे जिन्हों शैतान ने अल्लाह की कसम खाधी सी कुरान गवाह सुल्तानी साहब कुरान लैके आओ मैं वखान तैयार शैतान आंदा मैं तेरे बंदे गुमराह करना बाबा गल सुन वाली जी अज शबे बरात है तो मैं तो दुआ करना नीली छत दिया मालका अज सानू गुनाहों तू ही बरी कर दे अज सानू गुनाहों तू ही बरी कर दे ये कोई पता नहीं होंदा वही नमाजी चंगा कि बेनमाजी चंगा ये मालक दे फैसले ने पर मसीते आ जाए ना बंदा उदी पाक अदालत विच बैठ जाए फिर फैसला होंदा है हुण जुमले सुनिया शैतान ने आख्या या अल्लाह गुमराह करांगा भीड़ आले तवज्जो फरमा जा अल्लाह ने आख्या किवें करेगा आ वेख्यो ए कुरान कुरान मुकालमा पेश कर रहा शैतान आंदा या अल्लाह मैं बंदा जांदा होएगा मसीते या अल्लाह मैं सजियो आवांगा या अल्लाह मैं खबियों आवांगा या अल्लाह मैं सामनियों आवांगा या अल्लाह मैं पिछू हमला करांगा हे बंदा दुकान बंद कर दा होवेगा रब्बा मैं गाक लेके आ जावांगा फिर उथे नमाजी वसवसे विच पै जाएगा हुण दुकान बंद करा या गाक वेखा या नमाज वेखा शैतान आंदा या अल्लाह मैं इंज दा गुमराह करांगा इंज दा तेरे बंदियां नूं गुमराह करांगा कायनात आलियो जुमले तेरे बंदे अल्लाह फरमांदा किवें किवें हमला करेगा या अल्लाह पिछों भी हमला करांगा या अल्लाह सजियों भी हमला करांगा या अल्लाह खबियों भी हमला करांगा या अल्लाह सामनियों भी हमला करांगा फरमाया ओए चार जगह तू मलिया ने चल चार तेरियों ने दो साड़िया ने जी जी भी डालियो अल्लाह फरमांदे शैताना चार तेरी आने तू सजियो आ जा तेरी मर्जी तू खबियो आ जा तेरी मर्जी तू पिछो आ जा तेरी मर्जी शैतान लई ना होए जेड़ा साडा होएगा तो चो जी जेड़ा साडा होएगा जेड़ा साडा होए पीरा ले यार हे मलक बरादरान बैठे होए हो रब फरमांदा जेड़ा साडा होएगा वे सजो आएगा उन्हें फिर भी घबराना नहीं खपियो आएगा उन्हें फिर भी घबराना है तो पिछो आएगा उन्हें फिर भी घबराना नहीं तो तू आएगा उन्हें फिर भी घबराना नहीं जेड़ा रब का हो जाएगा वे सीने ते तीर होणगे ओए सजदा भी कर जाए कुरान भी पढ़ जाएगा आए हाय जेड़ा रब दा होएगा सजदा भी कर जाएगा कुरान भी पढ़ जाएगा फिर दुनिया नूं दसेगा हे कायनात अलियो होए मेरा अली असगर भी सामने हे मेरा अली अकबर भी सामने हे मेरा आलम वीर अब्बास भी सामने होए ओना मोहम्मद लाश भी सामने होए अज किसे दा एक मर जाए होए नमाज़ां भुल जांदियां ने होए रब भुल जांदा है हुसैन सामने लाश रख के करम रहते सजदा करके दसिया है होए कमीनियो जेड़ा हुसैनी होवे ओ अज भी रब दा है कल भी रब दा है
जी सुल्तान साहब हुसैन इब्ने अली ने दसिया अज रब की सबार गार सजदा करनी तौबा करनी ते तौबा पता किंज दी करनी तौबा इंज दी करनी या अल्लाह अज तो बाद गुनाह ना करिए बाबा जिन्ना तक जिंदा गुनाह तो हो ही जाने ये कोई गल नहीं मौलवी भी गुनाह कर सकता नमाजी भी कर सकता हाजी भी कर सकता पर बाबा गुनाह तो बाद बंदा तौबा कर लवे ना रब गुनाह नू नहीं वेंदा बंदे दी तौबा नू वेंदा है मेरे वाल तक जी मैं फिक्र आखिर की गल कर लगा बनी इसराइल की रवायत कि मुंडियो सुने यार नौजवान कोई एक भी रो पिया तो समझो उस पूरी महफल के रब का करम गल बड़ी वड्डी बनी इसराइल की रवायत किबला एक बुत प्रस्त बंदा सी जिहड़ा बुत की पूजा करता सी रावी लिखता कि कई साल उन्हें बुत की पूजा की थी कई साल आ मेरे वाल तवज्जो रखियो इंशाला गल दिल से वजेगी तो दिल भी आखेगा कि वाकई रब रब है कई साल उन्हें बाबा जी पूजा की थी बुत की तो बुत के सामने बह के पता की आंदा सी या सनमी या सनम बाबा जी सनम फारसी अंदर बुत आंदे ने सनम फारसी अंदर बुत आंदे ने हे बुत परस्त बुत दे सामने बह गए आंदा ओ मेरे पुता ओए मेरे खुदावा या सनम या सनम बाबा जी दस साल गुजर गए ने 20 साल गुजर गए ने 30 साल गुजर गए ने हे रजाना बुत दे सामने आंदा है सुल्तानी साहब हाथ बन के उन्हें बुलांदा है ओए सुबह भी आवाजा मारदा है हे बुत बोलदा कोई नहीं शाम भी आवाजा मारदा है हे बुत बोलदा कोई नहीं ओए शबे बराती रात बैन लियो बाबा जी इक रात आई है या सनमी आंदा है या सनमी आंदा है तो जो बाबा जी ओदी जुबान ते लफज मिल गया है हाजी उन्हें या सनम नहीं आखिया हाजी ओदी जुबान ते आया है या समाद जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी ओदी जुबान ते आया है हांदा या समाद या समाद या समाद बाबा जी या समान ते हल चल मच गई है अल्लाह फरमांदा है जबरीर दौड़ जी रब्बा या डरावे अल्लाह दी कसम है बाबा रूह तर भी जांदी जे ओए तरी साल पुत्ता नु बुलाण आला जे बाबा जी एक बारी ओदी जुबान ते अल्लाह दा नाम आया है अल्लाह फरमांदा है जबरीर दौड़ जी रब्बा हुकम आवे फरमाया ए केड़ा है जेड़ा मैनू प्या बुलांदा है रब्बा पुत्ता दी पूजा करन आला है बाबा जी उन्हें एक बारी पुल भुलेखे आखिया है या समाधि उतू आवाज आई लबई कया अबदी लबई कया अबदी लबई कया अबदी ओए रोन लियो तू आवाज आई है हल्ला फरमांदा बोल की चाहिदा ई ओए दस की चाहिदा ई ए बीड़ा लियो 30 साल पुत्ता दी पूजा करन लाए किबला सुल्तानी सा ओदी जुबान ते अल्लाह दा नाम आया है हल्ला फरमांदा दस की चाहिदा ई ओए दस केड़ी चीज दी लोड़ है बीड़ा लियो जबरील ने अल कीती रब्बा हे तेरा नहीं रब्बा ये शैतान दा बंदा है रब्बा पुत नू बुलांदा रिहा है अल्लाह फरमांदा जबरील किवें दी गल करना है जिन्हों 30 साल आवाजा मारदा रिहा है वो ते बोली आई कोई नहीं बाबा जी झूठे बोलदे कोई नहीं अल्लाह फरमांदा अज मैनू बुलाया सो अजे मैं भी जवाब ना दिया ते पुत विच ते खुदा विच फर्क की है अल्लाह ने फरमाया मंग की मंगना है ओदी जुबान ते इक वारी आया है अल्लाह फरमांदा जबरीला इनू मैं बेईमान नहीं मरन देना इनू मैं अपनी तुही ते मरन देंगा ईमानदारी नाल दस यार ओ जेड़ा इक वारी अल्लाह नू बुलावे है बेईमान नहीं हो के मरदा कदी दे दिल विच रब होवे जदी
मेरी अखां विच रब आए जरा रो रो के अख याला मैं अज भी तेरा वा हरबा मैं कल भी तेरा वा हो अदल करें ते थारी थारी कंबे जी जी बड़ी मेहरबानी है अदल करें ते है रब्बा अदल करें ते है थारी थारी कंबे उचिया शाना वाले पीड़ा लियो मैं फजल करें रब्बा तेरा फजल हो जाए रब्बा अज असी आए बैठे अज जोलियां फैला के बैठे रब्बा साढ़े हाथ भी गुनावा अंदर ने रब्बा साढ़े पैर भी गुनावा अंदर ने रब्बा तेरे बूहे ते आ गए एक बारी माफी दे नीली छत दिया मालिका हे फजल करें ते हे बखी से जावे ए मैं वरी गे मां काले कदी अखां बंद करो एक मिनट वास्ते होए अल्लाह दा तसव्वुर करियो जे होए अल्लाह दी अदालत दा तसव्वुर करियो रे बाबा जी अल्लाह दी कसम होए मेरा अल्लाह बड़ा करीम है होए मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है होए मेरा अल्लाह बड़ा अजीम है होए एक बारी इंज करो ना एक बारी हाथ जोड़ो ना आखो रब्बा असी चौधरी भी कोई नहीं रब्बा असी मलक भी कोई नहीं रब्बा असी जट भी कोई नहीं रब्बा असी कुछ भी नहीं हां असी कुछ भी नहीं हां रब्बा तेरे बंदे हां रब्बा तेरी मखलूक हां रब्बा तेरी मोहम्मद उम्मती हां कायनात लियो ओ ते इना उम्मत नाल प्यार करदा है जेड़ा एक वारी अल्लाह आखे ओ दस वारी आंदा है मांग जो मंगना ही जी जी तवज्जो करया जी गल मुकान लगा दो गल्लां करनियां ने तुम जुमले मेरी तकरीर मुकम्मल और रब एडा करीम है बाबा जी ओदे कोल औलाद मंगी है तो औलाद दे छड़ दे ओदे कोल इज्जत मंगी है तो इज्जत दे छड़ दे ओदे कोल दौलत मंगी है तो दौलत दे छड़ दे ते बुजुर्ग अक्सर पता की फरमांदे ने कहंदे ने कदी अल्लाह कोल थोड़ा ना मंगया करो ओ बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह कोल थोड़ा ना मंगया करो एक बंदा आंदा भी मैं अल्लाह नूं कह रहा सां या अल्लाह मैनूं गड्डी दे चंगी तो मैनू एक बंदा कहन लगा भी अल्लाह कोल गड्डी भी मंगी दी तो उन्हें क्या किधर कोल मंगी दी बाबा जी को है और है वो देने वाला बोलो जी वो गड्डियां देने वाला कौन है कोठियां देने वाला कौन है जमीना देने वाला कौन है एक बारी मेरे नाल अल्लाह आखो फिर अल्लाह नूं किन्ना प्यारा लगदे गड्डियां देने वाला कौन है पुत्र देने वाला कौन है इज्जत देने वाला कौन है माल देने वाला कौन है वो जेड़ा एक बारी अल्लाह आखे अल्लाह नूं बड़ा ही प्यारा लगता है अल्लाह नूं बड़ा ही चंगा लगता है आ दो गल्लां कर लगा मेरी तकरीर मुकम्मल रब्बे काबा दी कसम गल बड़ी वड्डी है दौरे हजरत उमरे फरूक दा रजी अल्लाह ताला अन्हु किदा दौर है जी हजरत उमरे फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दा दौर यह गल इस तू आखिरी गल उस सिर्फ 15-20 मिनट की तकरीर आ गई जुमले तवज्जो नाल सुनिया हजरत उमर का दौर है जी हजरत उमर बड़े जलाली सन गुस्से में आ जाते सन आप बाबा जी मदीने का दौरा कर रहे हैं तवज्जो मेरे वाल रखिया जी गल सुनिया जी बड़ा सोहना सुनिया किबला सुल्तानी साहब मदीने का दौरा पे करते हैं गली के विचों दी गुजरते एक गली विचों हजरत उमर आ रहे हैं दूसरी गली विचों एक शराबी आ रहे हैं आए हाय हाय जुमले सुन सुनियो जी एक गली विचों मौला उमर दूसरी गली विचों शराबी आ मेरे वाल तकियो जी भीड़ आले शराबी ने शराब पीती भी है ते कच्छे भी लाई है जुमले सुनियो जी किबला शराब पीती भी है ते कच्छे भी लाई है थले छुपा के चादर में छुपा के ना तो टुरी जांदा पे अपनी मस्ती विच
बाबा जी उन्हें गली का रुख मोड़िया ना, सामने हजरत उमर आ रहे। आ गल सुनियो, जेड़ा आंदा ना रब माफ नहीं करता, उन्हें रब नूं मन्निया ही नहीं। जेड़ा आखे रब माफ नहीं करता, उन्हें रब नूं मन्निया ही नहीं। बाबा उहदी सिफत है, माफ ही करता जेड़ा रब होया। बंदे नहीं जे माफ करते, रब्बे काबा की कसम है, बंदे उत्तू माफ कर छड़नगे, अंदरों फिर गुस्सा ही रखणगे। हैं आखण के मैं कहना दिलों उन्हें माफ किया चलिया, या माफ ही ना करती, जे माफ करनी तो दिलों माफ कर, कभी दिलों माफ करया कर, जुबान तू माफ ना करया कर। रब पिया वेंद ये उत्तू माफ करना तो दिल में गुस्सा रखना है, मुनाफकों के काम आ बाबा जी। उत्तू गुस्सा, उत्तू राजगी तो विचू गुस्सा। हुण जुमले सुनिया जी, उन्हें शराब की बोतल फड़ी ते शराब की बोतल पींदा हुंदा पैनल कच्छे लांदा हुंदा, सामने हजरत उमर ते जदों नजर पई ना, बीड़ा लिया उहदियां लत्तां कंबन लग पईआं। उन्हें आख्या जे हजरत उमर ने मैनू वेख लिया ना, अज मार बड़ी पैणी, अज कोरे बड़े पैने ने, अज सजा देवेगा, मेरी इज्जत नहीं रहनी। बाबा जी जुमले सुनिया जी, हजरत उमर उधरों आ रहे, इधरों ये शराबी शराब पी के बोतल कच्छे ला के, थे बाबा जी जदों मदीने दी गली विच टुरी आए, थे आसमान वाली चेहरा ही उठाया, हे बीड़ा लियो हथ बने ने, रो गया दा नीली छट दिया मालिका, अज उमर दी मार कुलू बचा ली, अल्लाह सामने उमर तीसरा बंदा कोई नहीं, अल्लाह अज उमर नू पता ना लगे, अल्लाह तेरे नाल वादा करना, अज तू बा शराब दे नेड़े नहीं जावांगा, अज तू बा शराब नहीं पियांगा, अल्लाह एक बारी माफी दे दे, अल्लाह एक बारी तौबा कबूल कर ले, अल्लाह उमर मिनू मारे कोई ना। बाबा जी एक मिनट पूरा नहीं गुजरिया, हे दिल विच दुआ की थी, हजरत उमर उत्ते आके खड़े हो गए, आखन लगे पुकर विच की ले जाना है, हे पीड़ा लियो चुमले तड़पांदे ने, हांदा जनाब कुछ नहीं, हजरत उमर आखन लगे सच्ची बोल की ले जाना है, हांदा जनाब दुध ले जाना वा, दुध ले जाना वा, होए पीड़ विच बैन लियो, सुन मेरा रब किदा करीम है, सुन मेरा रब किदा अजीम है, हंदा दुध ले जाना। मौला उमर मुस्कुरावे, हजरत उमर आखन लगे झूठ नहीं बोली दा, पता तेनों भी है वे, पता मैनों भी है वे, पता तेनों भी है वे, पता सानू भी है, झूठ ना बोल, हंदा जनाब झूठ नहीं, हे वाकई दुध ले जाना। बीड़ा लियो जदू ने गल की, हजरत उमर फरमान लगे बोतल बने कर, बाबा जी तवज्जो मेरे वर रखिया रे, हिंज बोतल नू हथ पाया है, नाले रोंदा है, नाले अरज़ा करदा है, हंदा रब्बा अज बचा लई, रब्बा मैं शराबियां, रब्बा तू जानना है, रब्बा मैं बंदा तेरा वा, रब्बा मैं बंदा तेरा वा, रब्बा अज बचा लई, बीड़ा लियो गल इश्क दी ओ रही, हे गल तेरे ते मेरे रब की रहमत दी ओ रही, जो जो बोतल बने करदा है, नाले रोंदा है, हजरत उमर कहंदे ने रो ना जल्दी बने कर, बाबा जी जदू बोतल बुकल विच कीती है, ओ तू शराब दी परी होई है, जदू उमर दे सामने कीती है, हुण शराब नहीं वाकई दुध बनिया होया, जी बाबा जदू दुध बनिया है, मौला उमर परेशान है, आखन लगे निकमिया ये की बनिया है, आखन लगे सच्ची दस की कीता है, बाबा जी शराबी दियां चीखां निकल गईयां नी, रो गया दा उमर जी मारियो ना, आखन लगे नहीं मारदा, होए मैनू दस ते सही ना, होए एक मिनट विच की कर छड़िया है, आंदा उमर जी कुछ नहीं कीता, रब नाल गल कीती है, अल्लाह नाल गल कीती है, है बीड़ा लिया कदी रब नाल गल करके वेख तो सही है, कदी फसिया में रब नू याद करके वेख, कदी मुसल्ला पा के वे, जे पुत्र नहीं कदी रात नू रो के मंग के वे, जे रब ना दवे मैं जुर्मदार हाँ, जे रब ना दवे मैं जुर्म
आई ते बाबा जी रोई जांदा है ते रो के आंदा उमर जी मैं ते अखिया जे मैं वेखा है अम्मी लावले जी जी मुक गई गल जे 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 है जे मैं वेखा हे अम्मी लावले थे कुछ नहीं हो मेरे पल्ले हैं बाबा जी अल्लाह थोड़ा रोना कबूल कर ले रपा साढ़े कोल कुछ भी नहीं हो या अल्लाह मर जाना है या अल्लाह कब्र विच टुर जाना है या अल्लाह मना मुई मिट्टी पै जानी है रपा वीरां भी छड़ के आ जाना है रपा प्यो भी छड़ के आ जांदे ने रपा रिश्तेदार भी छड़ के आ जांदे ने रपा सानू कुछ ना आखी रपा असी तेरे अजाब कोलों डरने या अल्लाह तेरे गुस्से कोलों डरने रपा सानू मारी ना रपा सानू मारी ना रपा माफी दे दई हे जे मैं वेखा हे अमला वल्ले ते कुछ नहीं जे मेरे ए पल्ले जे मैं वेखा है रहमत रब दी ते पल्ले 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 बीड़ा लियो रो गया दा उमर जी मैं अल्लाह को माफी मंगी मैं खया अल्लाह आज माफी दे दे आज तू बा शराब नहीं पियांगा हे मौला उमर जलाल विच आ गए ओए आंदे ने लोको ओए जेड़ा रब शराबी दी मन लैंदा है जी बाबा जेड़ा रब शराबी दी मन लैंदा है उन्हें बाबा सजदा नहीं कीता उन्हें मथा नहीं रखिया उन्हें नमाज नहीं पढ़ी उन्हें दिल विच रब नु बुलाया है उन्हें दिल विच अल्लाह नाल गल कीती जे हबीब अलियो तेरा ते मेरा रब होवे कोई अंदरू बुलावे फिर भी सुनदा है कोई उच्ची बुलावे फिर भी सुनदा है कोई खामोश हो के आखे है फिर भी सुन लैंदा है हजरत उमर जलाल विच आ गए फरमान लगे लोगो ओए शराबी दी दुआ अल्लाह कबूल करके शराब नो दुध बना सकदा है ते जे गुनाहगार माफी मंगे ओए रब कबूल करके ओदे गुनावां नो नेकियां भी बना सकदा है तवज्जो जे ओने दुआ कीती ते रब कबूल कर लेते जे तू मैं करांगे ते सुभान बच्चे थले बैठ जा थले अन बैठा जुमले तवज्जो ना सुनो अल्लाह ने उस वेले शराब में दूध बना छड़े की बनाया दूध बना छड़े आज माफी मांग के उठ तुसी ते मैं भी माफी मांग के उठी माफी पता कि मैं मंगनी है उतू नहीं मंगनी अंदरों दिलों अंदरों माफी मंगनी ते माफी मांग के आखने मालका तेरी ते मेरी गल उची बोलो तेरी ते मेरी गल या अल्लाह तीसरा बंदा कोई नहीं गल आखरी कर लगा ते मेरी तकरीर मुकम्मल बाबा जनाबे मूसा कलीमुल्ला दा दौर है बारिश नहीं आ रही इत्थे वेख रब किड्डा करीम है उची बोलो जरा सुभान अल्लाह गल आखरी तकरीर मुकम्मल हजरत उमर दा दौर बारिश बंद जी अज भी बारिश बंद हो तो लोगों ने मौलवी जी दुआ करो बारिश आ जाए अल्लाह रहमत फरमा छे ये बारिश रब की रहमत होती बारिश नहीं आ रही सारी लोग जमा होकर हजरत मूसा को आ गए या मूसा जी की गल जी बारिश नहीं हो रही मेरे वाल तवज्जो करो जी पाँच छः मिनट रह गए जी बारिश नहीं हो रही आपने फरमाया फिर अख लगे दुआ करो मेरे वाल तकिया जी अल्लाह के नबी ने हाथ चुके पिछले भी बोलो हाँ सुभान अल्लाह अल्लाह का नाम जो सुभान अल्लाह ते रात भी शबे बरात दीजे मैं देना सी इतने बह के आखांगा सुभान अल्लाह अल्लाह फरिश्तियां पूछेगा ये की आंदे जेबे आंदे ने या अल्लाह तैनू आंदे ने तू पा के अल्लाह फरमाएगा इन्हें मैंने वेखिया या अल्लाह नहीं वेखिया अल्लाह फरमाएगा किड्डे सोहणे ने
मैनू वेख्या भी नहीं, बिन वेख्या आंदे ने तू पा के, या अल्लाह हुण अल्लाह फरमांदा मेरी मर्जी बन गई है, जिहड़े बिन वेख्या आंदे ने तू पा के, मैं भी इन्हां नूं महफल मुक्कण तों पहलां पहलां गुनाहां तों पाक ना कर सकदा। गल अंदर दी है, गल तन दी है, तवज्जो फरमाया जे, गल बड़ी वड्डी। अच्छा दुआ करो, मेरे वल वेख्यो जे, हजरत उमर ने हाथ चुके दुआ की थी, या अल्लाह बारिश पा, या अल्लाह बारिश पा, तवज्जो करिया जी, जो इन्नी गल की थी, या अल्लाह बारिश पा, उत्तों आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया असा उन्हां तक बारिश नहीं पानी, या अल्लाह क्यों, अल्लाह फरमांदा ये मचमे विच ने एक गुनाहगार बैठे, बीड़ा लियो तवज्जो करिया जी, बाबा जी तेरे मचमे विच एक गुनाहगार बैठे, ए जिन्ना मजमा लगे ना तुहाडा महफल विच, तुहाडे विच सब नाल वड्डा गुनाहगार मैं जी, तो मैं अंदरों पे कहिंदा मेरी जुबान की गल, तुहाडे विचों सब नाल वड्डा गुनाहगार मैं वां, जे किसे गुनाहगार वेखना होवे तो मैनू वेख ले, कितले जान की लोड़ नहीं, तेरी महफल विच एक गुनाहगार है, या अल्लाह की करां, अल्लाह फरमांदा उन्हूं उठा के बन्ने भेज, जिन्ना तक वो बन्ने ना गया मेरी रहमत की बारिश नहीं आई, बीड़ वाले पांच छे मिनट रह गए नहीं, गल अंदरों सुन ली, तेरा वजू हो गया, मेरी मेहनत कबूल हो गई, रब फजल फरमा छड़, या अल्लाह इंज गुजारा नहीं, अल्लाह फरमांदा नहीं, उन्हूं उठना पैना है, उन्हूं जाना पैना है, तो बारिश फिर आनी। किबला गुलाम अब्बास सुल्तानी साहब जुमला बड़ा वड्डा देन लगा, अल्लाह ने फरमाया बंदा उठा, बंदा उठा, बाबा वो किड्डा करीम है जिन्हें ये दस दिता गुनाहगार है पर ना नहीं दसिया उन्हें, जो समझदार बंदे तकरीर नूं सुनने वाले बैठे गल उन्होंने दसिया भी गुनाहगार है, बाबा जिहड़ा यह दस सकता भी गुनाहगार है, वह ना नहीं सी दस सकता भी फलाना ही फलाने कपड़े पाए सू फलाने रंग दाई दाड़ी या नहीं हो दाड़ी बिठा उन्हों बन्ने बेज, मैं ख्या रब्बा तू किड्डा करीम है किड्डा रहीम है, या अल्लाह तेरी रहमत दा अंदाज़ा ते हो गया है, या अल्लाह तेरियां तू ही जानना है, तेरियां तू ही जानना है, या अल्लाह असी जान सकते कोई नहीं, या अल्लाह नाले अन गुनाहगार है नाले, या अल्लाह बंदा दसदा भी कोई नहीं, या अल्लाह केड़ा है, बाबा जी अल्लाह दा नबी उठ के खड़ा होया है, जनाबे मूसा ने आखिया है ओए मेरी कौम लियो ओए रब पियांदा जे ओए समझ में विच गुनाहगार बैठा है, जिन्ना तक बन्ने ना गया असा रहमत दी बारिश पानी कोई नहीं, ए भीड़ा लियो जुमले रुला दे जद अल्लाह दे नबी गुस्से विच आके गल की थी, बाबा जी मजमे दे सब नलू पीछे एक बंदा बैठा है, उन्हें बाबा जी मुंह ते चादर ओढ़ ली, उन्हें मुंह विच चादर ओढ़ ली, उन्हें चादर विच हथ बन लेने, हे मजमा लगा होया जरा तो सबर करी आ रे, हे मैं आख्या जड़ा गुनाहगार उठ जाए, हे बाबा जी उन्हें चादर विच हथ जोड़े ने, अखा विच अथरुआ दे दरिया जारी ने, हांदा रब्बा ओए अज तक ते पड़दा फाश कीता कोई नहीं आ, हरप्पा मैं सुबह भी तेरिया ना फरमानियां कीतियां नी, हरप्पा अज मैं जलील हो जावांगा, हरप्पा केड़ा मोह लैके उठ जावा, ओ सारा मजमा मैनू ताने देगा, ओ सारी दुनिया मेरे ते लाने तान करेगी, ते बड़ा वड्डा ही गुनाहगार है, ओए अल्लाह दी रहमत रोकी बैठा है, बाबा जी नले रोई जांदा है, नले तरले पई जांदा है, नले रोई जांदा है, नले रो के आंदा रहमत दा दरिया इलाही के हर दम वगीदा तेरा जे की कदीरा, हे बीड़ा लियो जे की कदीरा, हे बखी से मेनो थे कम बन जाता मेरा, बाबा जी नल रोंदा है
नाले तरले पांदा है हंदा रबा अज मैनू जलील ना करी रबा मैं तेरे नाल वादा करना वा रबा अज मैनू माफी दे दे रबा जे मैं उठिया होए मेरी इज्जत रहनी कोई नहीं रबा होए मेरी शोहरत रहनी कोई नहीं होए नी देर पड़दे पाए नहीं होए नी देर कर्म कीता ई बाबा जी हजे बंदा उठिया कोई नहीं उसे वक्त फतल आए ने उसे वेले रब दी रहमत बदल आए छम छम बारिश आई है अल्लाह दे नबी उठ के खड़े हो गए रब्बा वजह की है या अल्लाह बंदा उठिया भी कोई नहीं या अल्लाह बंदा गया भी कोई नहीं या अल्लाह निकलिया भी कोई नहीं या अल्लाह हिलिया भी कोई नहीं या अल्लाह बारिश भी आ गई या अल्लाह एक ही की पाई फरमाया मूसा हे ते दसना है जिदी वजह तू रोकी सी ओदी वजह तो ही पा छड़ी है जिदी वजह तू बोलो बोलो जिदी वजह तू रोकी सी ओदी वजह तो पा छड़ी रब्बे काबा दी कसम आखरी जुमले तवज्जो फरमा जे जनाबे मूसा ने जिदू ये गल वेखी वेख के हैरान ते परेशान आखन लगे रब्बा ओदी वजह तो पाए जुमले सुने तकरीर मुक गई जी ओदी वजह अल्लाह फरमांदा मैनू दस ते सही जनाबे मूसा ने अर्ज की रब्बा जिदी वजह तो बारिश पाई आ मैनू दस ते सही वह बंदा केड़ा तुसी बड़ी सोहनी तकरीर सुनी है बड़ा सोहनी अल्लाह तुहाडे ते करम फरमाए जुमले देन लगा ते तकरीर मुकम्मल या अल्लाह मैनू बंदा वखा की कर बोलो की कर बाबा जी मैनू बंदा वखा वह बंदा केड़ा अल्लाह ने फरमाया नहीं अल्लाह फरमांदा मेरी औजात जिहड़ी ऐबां दे पर्दे पांदी है कसम खुदा दी जिहड़े असी गुनाहगार हां ना बाबा जी जिहड़े असी भैड़े बंदे हां साडे मथियां ते लिखिया जाणा सी बंदे ने राती गुनाह कीता साडे बूहियां ते लिखिया जाणा सी कि राती इहनां इक मीनापन कीता पर करी भी जाने वह फिर भी आंदा जा माफ कीता जा माफ कीता मैं खैर रब्बा वजह की अल्लाह फरमांदा तुहाडे गुनाह वेखा या मुहम्मद दा वदुहा दा चेहरा वेखा तुहाडे गुनाह वेखा या मुस्तफा दा चेहरा वेखा बाबा तवज्जो फरमा जे ओ तुसी ते मैं खुशकिस्मत हाँ कमली वाले सानू अपनी उम्मत विचों कबूल फरमा ले घबरायो ना साडा नबी नबियां दा सरदार है साडा नबी नबियां दा इमाम गल मुक चली जे तवज्जो बड़ा सोहना सुनिया भीड़ आलो जिंदगी रही तो मौके मिले गल करा या अल्लाह बंदा वखा अल्लाह फरमांदा नहीं वखाना या अल्लाह बंदा वखा अल्लाह फरमांदा नहीं वखाना या अल्लाह वजह की अल्लाह फरमांदा जी तू गुनाहगार सी असा ओ तू सामने नहीं कीता हुण ते मेरी ते ओदी सुलह हो गई आए हाय बाबा जी जदों इन्नी गल कीती जनाबे मूसा कहन लगे या अल्लाह बंदा कौन है फरमाया बंदा नहीं वखाना हो मेरा बंदा है मैं ओदा मौला वा वे मेरा ना फरमान सी उन्हें मेरे को माफी मंग ली है असा माफी दे छड़ी है उन्हें माफी मंग ली है असा माफी दे छड़ी है फरमाया मूसा होए जेड़ा अंदर बह के होए दिलो आखे रब्बा माफी दे दे फरमाया मैनु अपनी जात की कसम मैं मुसल्ला चुकन तू पहला पहला सारे गुनाही माफ कर छजना मुसल्ला चुकन तू पहला पहला गुनाह माफ भीड़ आलो मेरे नाल वादा करो नीयत करो कि या अल्लाह सानू नमाजी बना छड़ सारे बोलो आमीन बाबा जे किसी चीज़ की लोड़ हो ना किसी चीज़ की वजू करके मसीते आ जाए अल्लाह अकबर कह के हाथ बन लें ते रो के आखी रब्बा तेरे बूहे ते आ गया तू खाली नहीं मोड़दा स्टेज आले भी तो सामने जुमला बड़ा वड्डा रब्बा तू खाली नहीं मोड़दा या अल्लाह मैं तेरे मुहम्मद की उम्मत का बंदा हाँ तेरे सोहने नबी की उम्मत हाँ या अल्लाह मैनू ये चीज़ चाहिए बाबा रब्बे काबा की कसम है तेरे सलाम फेरन तो पहला लोहे महफूज़ ते लिखी जाएगी
कि जा बंदिया मैं तेनू अता कर छड़ी। बंदा मंगे तो सही, तो जे अजान होंगी हो बंदा मसीह की गली के विचों की लंघ जाए फिर रब किवें दे। तू तो रब को मंगया ही नहीं, तू तो वो को सवाल ही नहीं किया। बाबा मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्ला अलैह ने कलम उठाई, नक्शा बयान किया। हजरत अलामा मौलाना गुलाम अब्बास सुल्तानी साहब, अल्लाह तुम्हें इस्तात आ फरमाए, अल्लाह सारे इस्तात आ फरमाए। बाबा कलम उठाई तो नक्शा बयान किया, तो मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। मियाँ साहब ने हद मुका छी, मियाँ साहब ने कड़ा नक्शा बयान किया। बाबा जी रोमिया कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई, मियाँ साहब फरमाते हैं लै ओ यहा